Assalamu guys, how are you? Hope you are fine. So today we are continuing our previous topic, the digestive system of man. हमने previous topic में हमने previous video में हमने पढ़ा था कि भाई digestion in man में कैसे होती है, human में digestion कैसे होती है. तो आज इस topic में हम इसके कुछ steps, main steps पढ़ेंगे digestion में कि भाई कौन-कौन से steps होते हैं digestion में. तो आज का video सिर्फ और सिर्फ इसपे होगा. The steps of digestion. Steps होंगे digestion में. वो कुछ मैंने यहाँ पर लिखे हैं. सारे steps वो हम one by one पढ़ेंगे कि steps कैसे होते हैं. ग्रुपों कौन से steps हैं. तो पहला step मैंने लिखा हुआ है वो है ingestion. Ingestion यकीनन हम ingest करते हैं, खाना खाते हैं. तो first step जो होगा digestion वो होगा intake of food. खाने का लेना. हम जब खाना खाते हैं लेते हैं. तो वो जो पहला step होता है वो क्या होता है ingestion. इसे खाना खाना. ठीक है. फिर second आ जाएगा हमारा propulsion. First step is alternate ways of muscular contraction and relaxation in the primary digestive organ. The end result is to sequence the food from one part to the system to the next. Second step जो होगा जिसको हम उर्दू में धक्का लगाना. प्रोपल्शन धक्का लगाना. खाना खा लिया हमने, खाना हमने मुंह में खा लिया. फिर हमारा खाना क्या होता है कि हम उसको मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्ट होकर फिर रिलैक्स होना. कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे धक्का देकर फिर रिलैक्स करना. जैसे हमारा खाना ये हमारे प्राइमरी जो ऑर्गन ऑर्गन्स होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, उनके खाना नीचे जाना. हम जब खाना खाते हैं तो इसे करते हैं ना, तो खाने को धक्का देना. मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन होती है, वो उस खाने को आगे सीक्वेंस कर दी जाएगी. ठीक है. तो जो हमारा थर्ड टॉप स्टेप होगा वो होगा मैकेनिकल डाइजेशन. क्या? मैकेनिकल डाइजेशन. फिजिकली खाने को फूड को प्रिपेयर करना डाइजेशन होने के लिए. इसके फिजिकली प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर द डाइजेशन. कैसे है कि हम जब खाना खाते हैं, जब हमने खाना खा लिया तो हमने दांतों की वजह से उनको क्या करते हैं, चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं, जैसे कि वो क्रीम हो के हम फिर इंग अप कर देते हैं, फिर हमारा नीचे चला जाता. तो इसका मतलब ये होगा हम फिजिकली खाने को फिजिकली तैयार करना कि वो भाई नेक्स्ट स्टेप में जाए, फर्दर डाइजेस्ट हो जाए. इसको फिजिकली जब हम प्रिपेयर करेंगे तो हम इसको बोलेंगे ये क्या है हमारा, मैकेनिकल डाइजेशन. क्या? मैकेनिकल डाइजेशन. और जो हमारा फोर्थ स्टेप आ रहा है उसको बोले सेगमेंटेशन. हम इस टॉपिक को क्या कर रहे हैं, बोले सेगमेंटेशन. अब सेगमेंटेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ फूड इन द इंटेस्टाइन विद द डाइजेस्टिव जूस. हमने खाना खा लिया, खाना का हमारा चला गया स्टमक में. अब स्टमक में क्या होता है कि उसमें कुछ हमारे स्टमक में कुछ जूसेस, कुछ केमिकल्स एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं जिसको हम कलेक्टली सारे एंजाइम्स को जूस एंजाइम जितने हमारे स्टमक में प्रोड्यूस हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, उन सबको हम कलेक्टली बोलते हैं भाई ये हमारा क्या है, डाइजेस्टिव जूस जिसे बोलते हैं या डाइजेस्टिव जूस बोले. उसको दो फॉर्म होते हैं, हम उसको गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं या हम बोलते हैं इसको डाइजेस्टिव जूस. कलेक्टली उसमें बहुत केमिकल्स आ गए, हमारे HCl भी प्रोड्यूस होता है स्टमक में, और भी बहुत से केमिकल्स एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो खाने को फर्दर ब्रेक डाउन या इसको क्रीम बनाने में हमारी हेल्प करते हैं. तो सेगमेंटेशन में क्या हुआ कि खाने का इंटेस्ट, खाने का हमारा जो खाना पेट में गैस स्टमक में गया उसके साथ गैस्ट्रिक जूस या डाइजेस्टिव जूस का मिक्सअप होना, मिक्सअप हो गया, ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया भाई सेगमेंटेशन. फाइव स्टेप क्या है हमारा, केमिकल डाइजेशन. फाइव स्टेप पे फाइव नंबर पे क्या है हमारा, केमिकल डाइजेशन. पहले हमने जो पढ़ा था थर्ड स्टेप पे वो था मैकेनिकल डाइजेशन, मतलब कि खाने को तैयार करना फर्दर डाइजेशन के लिए. यहाँ पर एक अल्फाज यूज हो रहा है केमिकल डाइजेशन. अब इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे पास खाना आ गया, हमारे पास हमने डाइजेस्ट कर, हमने स्टमक में आ गया, उसमें कोई गैस्ट्रिक जूस वगैरह जो भी ये हमारे इंटेस्टाइनल जूस होते हैं वो मिक्सअप हो गया, सेगमेंटेशन वाला प्रोसेस हो गया. अब क्या होगा कि हमने खाना लिया, हमसे निकाला कार्बोहाइड्रेट, हमें क्या मिला फैट जिसे हम लिपिड भी बोलते हैं, और प्रोटीन भी मिला. अब इनको ये तीन जो सब्सटेंस मेजर सब्सटेंस हमें मिले, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन, जिसको हम फैट भी बोल रहे हैं, लिपिड को फैट बोल रहे हैं. ठीक है. अब इन तीनों चीजों का फर्दर ब्रेक डाउन होना, ये प्रोटीन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, इसका फर्दर ब्रेक डाउन होना बाय द एंजाइम. ये तो ऐसे ब्रेक डाउन नहीं होंगे ना, उनके लिए हमें कोई ना कोई एंजाइम चाहिए, और किसी के लिए अपना एंजाइम होता है. मतलब ये तीनों चीजें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड मींस द फैट. अब ये फर्दर ब्रेक डाउन हो गए मोनोमर्स में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट टूट जाएगा हमारा मोनोमर्स में, फैट जो होते हैं वो हमारे फैटी एसिड में टूट जाएंगे, प्रोटीन इंट्रोटाइज वगैरह में टूट जाएंगे. तो इनका फर्दर टूट जाना बाय द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, इसको बोलेंगे ये भाई केमिकल डाइजेशन हमारा फर्स्ट स्टेप. और सिक्स स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन. सिक्स स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन. नाम से
से हमें पता चल रहा है कि भाई हमने हमको प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट को और फैट को जिसको हम लिपिड बोल रहे हैं हमने उसको तोड़ दिया मोनोमर्स में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया अब रुका हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होना अब वो चीजें जो हमें मिली खाने से उनको क्या करेंगे हम ब्लड में एब्जॉर्ब करेंगे ट्रांसफर ऑफ डाइजेस्टिव पोर्शन ऑफ फूड इनटू ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव कैनाल इस प्रोसेस को बोलेंगे ये भाई एब्जॉर्प्शन है और लास्ट है इंजेक्शन पहला था इंजेक्शन इसके इन करना खाना लेना और यहां पर आ रहा इंजेक्शन दो अलग अलग है इंजेक्शन इस लेना इंजेक्शन इसके जो रिमूवल एलिमिनेशन इसके बाहर निकालना वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी जो हम बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट जो हम अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं उस स्टेप को हम बोलेंगे भाई ये है हमारा इंजेक्शन तो ये हमारे आज के टॉपिक था द डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टेप्स जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टेप्स थे वो हमने यहां डिस्क्राइब कर लिए इससे मतलब जो हमने सात स्टेप लिखे हैं इंजेक्शन प्रोपल्शन मैकेनिकल डाइजेशन सेगमेंटेशन केमिकल डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एंड इंजेक्शन इससे मतलब कोई क्वेश्चन हो तो आप बेशक पूछें और उस पे हम फर्दर एक अलग से वीडियो बना लेंगे आपके क्वेश्चंस पे आज के लिए इतना ही था तो हम नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक के लिए सी यू अल्लाह हाफिज़ टेक केयर